नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं और आपके लिए एक नया पेपर आज वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग का बच्चों लेकर आया हूं, जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है। तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं और एक एक करके उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं बच्चों। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, आप जानते हैं फॉर्म एक टैग होता है जिसकी मदद से आप HTML में फॉर्म क्रिएट करते हो बच्चों। तो फॉर्म टैग की विशेषता क्या होती है, मेथड और एक्शन, तो दोनों बच्चों फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो पहले का आंसर होगा आपका सी, वेब पेजेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, आपके वेब पेजेस किस टैग से शुरू होते हैं, HTML टैग से शुरू होते हैं। कौन से टैग की मदद से क्रिएट करते हैं नंबर लिस्ट, आप जानते हैं OL टैग बच्चों नंबर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है, UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML दुनिया जानती है बच्चों, आप भी जानते होंगे HTML 5.0। बैकग्राउंड कलर ऐड करने का सही तरीका क्या है, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो, ये तीसरा तरीका होगा, हालांकि इसमें भी कलर का नाम डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए बट मैं इसी को मानता हूं। कौन सा सिंबल का यूज करते हैं बिगनिंग ऑफ HREF टेक्स्ट, हैश। द कॉमन एलिमेंट विच डिस्क्राइब द वेब पेज इज, जो वेब पेज को डिस्क्राइब करने वाला सामान्य तत्व तो कौन है, सातवां प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा, सभी हैं ऑल ऑफ दीज के साथ आप जाइए इस प्रश्न पे आइए बच्चों। HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नवा नंबर पे आओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू मार्क ए बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ की शुरुआत किस टैग से होती है, पी टैग से बच्चों। फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट, DL टैग से आपकी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बच्चों तैयार होती है, आप जानते हैं करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, बताइए कौन सा वो टैग है जो सबसे बड़ी हेडिंग का निर्माण करता है, तो बच्चों H1 से H6 होता है, जिसमें H1 इज द मोस्ट लार्जेस्ट या प्रोमिनेंट सेक्शन कहा जाता है। मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को मार्कअप टैग क्या बताते हैं, हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर आप बी लगाइएगा। www मॉडल किस मॉडल पे आधारित है, प्रश्न ये है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बच्चों आधारित है। तो आइए लीजिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स एंड इट इज वैलिड, एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, तो एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिन में कोई डेटा आप स्पेसिफाई नहीं करते। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर, तो बच्चों मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट की मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स में ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को अलाउ करेगा। HTML इज सबसेट, किसका सबसेट है, HTML का, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई That have attribute ATTR at the end with given value. बताइए 17वें नंबर प्रश्न का, तो बच्चों जब भी end word आएगा समाप्त तो dollar का use होता है, ये देख लीजिए। Which of the following selector selects the elements that are checked?
18वां प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। कौन सा वो सिलेक्टर है जो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है दैट आर डिफॉल्ट अमंग अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। डिफॉल्ट आपका ये सिलेक्टर होता है जो ऐसे आपका जो कह रहा है वो सिलेक्ट करता है। 20वें प्रश्न पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट द एलिमेंट दैट आर करेंटली इनेबल्ड। करेंटली इनेबल्ड एलिमेंट्स को कौन सा सिलेक्टर सिलेक्ट करता है? तो बच्चों इनेबल्ड आपका आंसर होगा। 20वें का सी लगाइए। 21वें नंबर पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट द एलिमेंट दैट आर फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। 21 नंबर इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑफ टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट द सिलेक्ट एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सिलेक्टर्स। 22वां नंबर का होगा नॉट एस। Which of the following selector selects an element if it is only child of its parent? 23वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या लगाएंगे आप? C. Only child. Which of the following selector applies styles to elements that are valid per HTML5 validation? सेट आइदर विद द पेरेंट और टाइप एट्रीब्यूट। बताइए इसका आंसर बच्चों क्या होगा? 24वें का आंसर होगा वैलिड। तो वैलिड लगाइए। आइडेंटिफाई द सीएसएस प्रॉपर्टी डिफाइनिंग बॉटम लेफ्ट कॉर्नर शेप ऑफ द बॉर्डर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो इसका आंसर होगा बच्चों बॉटम बॉर्डर लेफ्ट रेडियस। प्रॉपर्टी का नाम है ये। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड यूजिंग। जावास्क्रिप्ट के कोड को आप कैसे कॉल कर सकते हैं? फंक्शंस की मदद से या बच्चों मेथड्स की मदद से आप कॉल कर सकते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज वोलाटाइल इज, बताइए। म्यूटेबल वेरिएबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब परिवर्तनशील, उन्हें ही वोलाटाइल कहा जाता है। हेक्साडेसिमल लिटरल किसके साथ शुरू होता है? 28वें नंबर का, तो ये होता है आपका जीरो और एक्स के साथ। व्हेन देयर इज एन इंडेफिनिट और इंडेफिनिट इनफाइनाइट वैल्यू ड्यूरिंग एन अर्थमेटिक वैल्यू कंपटीशन, जावास्क्रिप्ट प्रिंट द वैल्यू एज सच। 29 का डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एरर इन जावास्क्रिप्ट? सिंटैक्स एरर, मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो कोई एरर नहीं होती बच्चों, ये रन टाइम पे भले जनरेट होता है। द फंक्शन डेफिनेशन इन जावास्क्रिप्ट बिगिन विथ, किससे शुरू होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस। 33वां प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होगा आपका आइडेंटिफायर सी होगा। सब कुछ ये देखिए, व्हेन डज फंक्शन नेम बिकम ऑप्शनल? बताइए फंक्शन का नाम कब ऑप्शनल होगा? व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन। www किस मॉडल पर आधारित है बच्चों? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। वो सिस्टम जो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है उसे डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। DNS। 36 का बी। The way in which information is transmitted to multiple internet connected devices.
इसको बच्चों हम लोग मल्टीकास्टिंग कहते हैं। What protocol does PPP use to identify the network layer protocol? LCP कहलाता है बच्चों, याद कर लो, Lightweight Control Protocol. Which IP address has the most addresses available by default? 39वें का आपका क्लास सी, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है? टीसीपी यूडीपी दोनों होते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ईमेल? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल डिलीवरी के लिए यूज करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन ए बिल्डिंग? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन का नाम देते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? तो साहब ट्विटर आपका सर्च इंजन नहीं होता। ए कुकी इज व्हाट? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट सिस्टम। ये क्या है कुकी? ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो ब्राउजर वेब सर्वर को भेजता, वेब सर्वर ब्राउजर को भेजता है ऑडियंस की ट्रैकिंग के लिए। SSL क्या होता है? सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर सॉकेट लेयर का नाम दिया जाता है बच्चों। डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ASP की क्या होती है? VBScript। ईमेल मैसेजेस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंक्रिप्शन, कोडेड फॉर्म में चेंज करना। आईपी एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय राउटर्स। MIME जो कि आपका अटैचमेंट को सेट करने का प्रोटोकॉल है, उसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो 50वें का डी होगा बच्चों। बहुत ही अच्छा सेट था ये पेपर का, जिसमें एक क्वेश्चन रह गया। एन एप्लेट इज ए, इसका आंसर होगा वो प्रोग्राम जो किसी अनदर एप्लीकेशन में एम्बेड होकर चल सकता है। एप्लेट को हम लोग जावा के थ्रू डिजाइन करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद जरूर आए होंगे। इस आशा के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में बच्चों, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार बच्चों।